सुष्मिता सेन ने अपने एयरफोर्स कैंप के दिनों को याद किया। पूर्व विश्व सुंदरी सुष्मिता सेन ने माना है कि आज के दौर में सिविलियंस भी हमारी आर्मी के लिए बहुत कुछ काम कर रहे हैं। सुष्मिता सेन ने मुंबई में पत्रकारों से हुई बातचीत में कहा कि उन्हें इस बात का गर्व है कि अब आर्मी के लिए सिविलियन भी बहुत कुछ कर रहे हैं। सुष्मिता कहती हैं, उस दौरान हम एयरफोर्स कैंप में रहते थे जो कि बहुत बड़े बड़े कैंप होते हैं, नेवी, एयरफोर्स या आर्मी सभी के होते हैं। वहाँ पर हर किसी को अंकल और आंटी कहते थे, कोई मिस्टर और मिसेस नहीं होता था। तो हमसे यह कहा जाता था बचपन में कि जब आप इस गेट से बाहर जाएंगे, बाहर आम लोग रहते हैं और इस गेट के अंदर सभी अफसर और उनके परिवार रहते हैं, सब बहुत सुरक्षित हैं। आज इस कार्यक्रम में आकर जिन्हें हम सिविलियन कहते थे, वे लोग आज डिफेंस के लोगों के लिए इतना बढ़िया काम कर रहे हैं जो कि मेरे लिए गर्व की बात है। गौरतलब है कि सुष्मिता सेन बॉलीवुड की नामी अभिनेत्री है और उनकी कई फिल्मों में उन्हें सराहा भी गया है। वह खुद आर्मी परिवार से है और उनके पिता एयरफोर्स में बड़े पद से 26 वर्ष देश की सेवा कर सेवानिवृत्त हुए हैं। सुष्मिता सेन उनके सामाजिक जीवन के लिए प्रसिद्ध है और वे ऐसे कार्यक्रमों में अक्सर दिखाई देती हैं।